इस सेशन की शुरुआत हमने न्यू इंडिया टेक इंडिया के नाम से की है। मंच पर बैठे हुए तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के धाकड़ हैं जिसको कहा जाए, और वो इसलिए कि इनकी जो फॉलोइंग है वो कोई अदृश्य फॉलोइंग नहीं है कि कोई एक्स वाई जेड के आपको फॉलो करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी फॉलोइंग वो है जिन्होंने समाज को या तो बदला है या लगातार अपने काम से नई जनरेशन को, अपने बाद के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और लगातार उसके लिए काम चल रहा है। यानी इनकी फॉलोइंग बड़ी जमीन पे जुड़ी हुई और सामने है। ये वो लोग हैं जो वोट लेने के लिए अपनी फॉलोइंग नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अदृश्य होकर काम कर रहे हैं और वो खुद अदृश्य हैं लेकिन इनकी फॉलोइंग सच्ची है। इसलिए इनकी बात को भी समझना, और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, जैसा कि आपको पता है कि अजय चौधरी जी एक ऐसा नाम जिसने समाज को बदलने का काम किया है। आजकल हम फट से कंप्यूटर पे बैठते हैं और काम करने लगते हैं, लेकिन वो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो मोटा वाला कंप्यूटर, भारी वाला नहीं देखा होगा, HCL सर, जिसमें वाइट कलर का होता था और छोटा सा स्क्रीन होता था, उस कंप्यूटर के साथ शुरुआत हुई होगी और टेक्नोलॉजी की शुरुआत इन्होंने की। इसके बाद समाज में शिक्षा को लेकर तमाम परिवर्तन किया। अजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रदीप राय जी जो एक तरह से कानून में हस्ताक्षर माने जाते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी उनकी खासियत न केवल केसेज को जीतना या उसको अपने तरीके से रखना, बल्कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे लीगल क्षेत्र में हो सकता है उस पर वो बात करेंगे। हमारे साथ क्रेग कुक हैं जो सबसे पुरानी एजुकेशनल संस्था, स्कूली संस्था जो है भारत में, एक तरह से आधुनिक स्कूली संस्था, उसके केवल प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि एक बड़े एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम को भारत में लाने की कोशिश की है। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब सभी अंग उपंग साथ में काम करेंगे। तो इस पूरे उसकी कल्पना ये है कि एक एक करके हमारे मेहमान अपनी बात शॉर्ट में रखेंगे आपके सामने, और उसके बाद एक हम इंट्रैक्शन आपस में रखेंगे। जो सवाल, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं तो मेरे मन में भी कई सवाल आते रहते हैं, वो सवाल मैं भी पूछूंगी, आप लोगों से भी पूछूंगी और इधर भी पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे भी बड़ी आपकी दुनिया आश्चर्य में डालती है जब मैं देखती हूँ कि एक, अभी मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है, जानवी यहाँ पर है, और तमाम जिनकी मिलियन में फॉलोइंग है, क्या करते हो तुम लोग, ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं ये सब चीज़ें पूछती रहूँगी, लेकिन सबसे पहले अजय जी से इस सेशन की शुरुआत। अजय सर, आप आकर अपने दो शब्द जरूर रखें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं यहाँ अलग ही किस्म के लोगों से मिल रहा हूँ एक तरह से। मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में। टेक्नोलॉजी जो है वो स्किल्स के लिए किस तरह से यूज़ की जाए, ये सब तो हमने कोविड टाइम पे बिल्कुल अच्छे से देखा, क्योंकि जो लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, कॉलेज नहीं जा रहे थे, उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग ने किस तरह से रीच किया, और वो इंटरनेट, कंप्यूटर और कंटेंट के थ्रू हुआ। और इस तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया आया जिससे वीडियो को यूज़ करके हम किस तरह से लोगों को अपने, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट एंड विजुअल्स एट्सेट्रा, वीडियो के थ्रू लोगों को कैसे हम स्किल्स सिखा सकते हैं, वो एक हमने बहुत अच्छे से सीखा ड्यूरिंग कोविड टाइम। अब तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT आ रहा है, और उससे एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, दैट इज दैट वी विल बी एबल टू कस्टमाइज एक्चुअल स्किल ट्रेनिंग। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी लोगों को यूज करने के लिए, और इसमें स्टूडेंट्स को इवन असाइनमेंट्स करने के लिए असिस्ट कर सकेंगे। तो ये जो है कि जो चैट GPT और AI आ रहा है, उससे एक और बड़ा चेंज आएगा, वो कंटेंट में आएगा। कंटेंट कैसे हम जल्दी से जल्दी डेवलप कर सकें, अलग अलग लैंग्वेजेस में कर सकें, वो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी लोगों के लिए, टीचिंग के लिए। और वॉइस और जो एनिमेशन है उसको ऐड करने से लोगों के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जो स्किल्स में आगे एक तरह से बहुत आगे बढ़ेगा, वो है वर्चुअल रियलिटी।
वर्चुअल रियलिटी से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा स्किल्स टीचिंग में। और मैंने स्किल्स में देखा, जैसे मैं चेयरमैन था इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स काउंसिल का, और मैंने ये देखा कि एक तरह का स्किल जो होता है वो क्लासरूम में सिखाया जा सकता है, दूसरा होता है स्किल जो लैब की जरूरत पड़ती है, और उसको हम कैसे सिम्युलेट करें जिससे हम बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकें और हजारों लैब्स बनाने की जरूरत न पड़े, तो वो एक हम डेफिनेटली वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कर सकते हैं। और इससे कॉम्प्रिहेंशन जो है बच्चों में वो बहुत इंप्रूव हो सकता है। तो ये एक नया एरिया है जो स्किल्स में, स्किल्स की टीचिंग में और स्किल्स में टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज आ रही है वो ये कि मैं तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एरिया में देखता हूं कि लोगों को अपस्किलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी चीजें हमने 10 साल पहले सीखी थी वो ऑब्सोलीट हो गई हैं और हमें नई नई चीजें सीखनी है, न्यू थिंग्स वी हैव टू लर्न, एंड दैट इज वेरी टिपिकल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज वेयर ऑल द पीपल आर लोकेटेड नॉट जस्ट ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ डू यू गेट टू देम बाय टू डू अपस्किलिंग? द ओनली वे इट कैन बी डन इज थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। सो आई थिंक दैट इज वॉट विल बी द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर अपस्किलिंग। एंड आई कैन टेल यू वट एवर स्किल्स यू हैव टूडे मे बी ऑफ नो यूज 5 years later और 10 years later। तो ये जो एक नया चेंज आता रहेगा नॉलेज एरिया में, वो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि अगर आप इफ यू वांट टू डू सेल्स ट्रेनिंग ऑफ ऑल योर सेल्स पीपल ऑल ओवर द कंट्री, हाउ डू यू डू दैट? द ओनली वे इन द पास्ट यूज टू बी यू गेट ऑल ऑफ देम टुगेदर एट 4-5 locations एंड डू मल्टीपल सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे लोगों को जब सेल्स की स्किल बताना चाहते हैं तो वो सब ऑनलाइन हो सकता है और हर तरह की चीजें की जा सकती हैं, जिसमें डिस्कशन हो सकता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के यूज से होता है। और एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई है कुछ सालों पहले, वो ये है हाइब्रिड टीचिंग। हाइब्रिड ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका में जो स्किल्स की जो काम करती हैं, जैसे एक डिवराई है यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वो सिर्फ हाइब्रिड ट्रेनिंग करती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल कोर्स में ऑनलाइन से ट्रेनिंग देते हैं और फिर वीकेंड पे जाके फेस टू फेस ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये हाइब्रिड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन रहा है, क्योंकि इंडिया में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस अगर हम सिर्फ इसको ऑनलाइन में रख देंगे तो जैसे आपने देखा होगा कोविड के बाद लोगों का एडटेक में इंटरेस्ट कम हो गया है। वो इसलिए कम हुआ है कि सब कुछ ऑनलाइन था, इसलिए इसको एक हाइब्रिडाइजेशन करने से दिस विल बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग एंड मच बेटर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड with that I'd like to stop here because I think I must give opportunities to the others to talk, but definitely one thing I want to mention, hamare liye lifelong learning bahut important hai aur hum sab ko lifelong earning se hi aage badhna hai aur agar hame ise karna hai to technology ke sirf siway aur koi chara nahi hai. Dhanyawad. Craig Cook sahab, please come to dais, sir. Good day to everybody. Thank you to Ms. Rajshree and Mr. Rai for the invitation to be here. Thank you, Dr. Chaudhary, too, for your comments just now. They lead right into just a few comments I was going to make about the topic, synergy of technology of school education for global harmony, right? As educators, much of our work is about integration. It's about bringing things together from sometimes disparate areas, and that's what makes our work so unique and distinctive in this day in which we live. We live in a world of new opportunities for what we call in sociology the simultaneous present.
as Dr. Chowdhury posed, though, opportunities for who? For all? And we have an opportunity to address some of the inequalities that have persisted in the past. Education has always suffered from the threat of what we call cultural lag, where practices don't meet the need of the day. In other words, in education, we often can fall into the trap of replicating only from what we've done in the past. These constraints often inhibit development and often inhibit growth. But here comes along technology as the great disruptor, as it's always been. I began, begin this year, this academic year, as my 31st in Asia. And when I arrived in India 5 years ago, I was surrounded by these beautiful mountains, and there really wasn't a lot of taste for the digital, for technology. Maybe it was because of the beauty that we were surrounded by. At my first assembly in 2019, before the pandemic, I told our group of students that the question was not whether we were cyborgs or not, meaning humans with a technological bent, but the question of the day is how to become better cyborgs, meaning how to become better humans, how to become better citizens, how to be more ethical, how to be more visionary in all that we do with technology. Now, in the early days of the internet, all of a sudden, there was so much knowledge to be had. And yet, we really didn't talk about our duty to help students understand that knowledge, how to train that knowledge for ethical, purposeful uses. And so, as we move to the 21st century, it's about engaging students on the how and the why, as opposed to the what. The goal of education is, yes, to look in the past, to look at history, and as we say, to understand the dead by studying history, philosophy, language, literature, so that we can know how to live in the present. But education must also look into the future. As usual, when we look at engagement with technology, there are many around us in education, the moral entrepreneurs who would seek to assert that the apocalypse is now upon us with the rise of technologies such as emergent ChatGPT and other forms. Recently, I was at a conference and the keynote speaker suggested that every century actually begins with rupture, with disruption. And so here we are in 2023, following the pandemic, which some would say is really the beginning of the 21st century. Quickly on its heels has followed this virtual space, this virtual reality. So in the field of education, I say, let's embrace the change with an eye on changing how we approach the world, with an eye that asks the questions of why and how as opposed to what. As educators, this is our responsibility to create ethical citizens for each of our societies. And the rise of AI on the heels of the pandemic gives us this great opportunity to engage with students in the ethics of knowing, in the ethics of knowledge production, and in the ethics of creating a better world for all. It's a great opportunity. Let's not miss it. Thank you so much. बिल्कुल जैसा डॉक्टर कुक ने कहा कि जो किसी भी तरह के संस्कार जो हैं वो बहुत बचपन में पढ़ते हैं, मशहूर बनने की तमन्ना भी बचपन में ही आ जाती है. बहरहाल हॉल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए एक मशहूर शेर है, वो कहा जा सकता है कि दो ही लम्हे गुजरे हैं भारी मुझ पर, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद. एक इंसान हमारे साथ, वो मनोज तिवारी, जिनके आने से पहले का लम्हा काफ़ी भारी था और इंतज़ार चल रहा था.
इनके जाने के बाद के लम्हा भारी होने वाला है, इसलिए जिद आप लोग की होनी चाहिए कि हमारे साथ बने रहें, जाए नहीं। दूसरा एक और इंसान जिसने अपने पर्दे के पीछे रहा वो, और कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हम गर्व से कहते हैं कि ऑस्कर हमें भी मिलता है, जयंतीलाल गाडा साहब, प्रोड्यूसर RRK। और जितनी भी आजकल आप हिट फिल्में देखते हैं, जयंतीलाल गाडा साहब उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर कुछ आइडिया आप लोगों के दिमाग में है, अगर किसी को हीरो हीरोइन में बनने का मन है, तो बिल्कुल उस कुर्सी के पास आसपास दिखिए, आप लोग भविष्य आपका सुधरने वाला है। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए, बात हमारी हो रही थी सोशल चेंज की, टेक इंडिया की। रचना जी भी हमारे साथ हैं, फाइनेंस का एक बड़ा चेहरा और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मानी जाती हैं। अब रचना जी आप मंच पर आएं और आप बताएं, लेकिन एक बात जरूर आप बताइएगा कि पैसा और कैसे बढ़ सकता है जेब में। जी रचना, प्रणाम सबको। आज मेरे सामने कई सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स भी है, एंड आई थिंक हम सब लोगों का एक ही प्रयास रहा है कि मेरे हिसाब से सब लोग पैसा कमाते कैसे है तो बहुत भली भांति जानते हैं, लेकिन उसी पैसे को बढ़ाना कैसा है, जब इसके बारे में बात चलती है तो हम एक कदम पीछे जाते हैं। इनफैक्ट एक बीच में एक टीवी कमर्शियल भी रिलीज हुआ था जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ एक पंक्ति में खड़े किए गए थे और उनको पहले एक नॉर्मल सवाल पूछे गए, और अगर जवाब हाँ है तो एक कदम आगे जाना था, अगर जवाब ना है तो एक कदम पीछे जाना था। शुरुआती में सवाल ऐसे किए गए कि आपको रनिंग आती है क्या, तो सब लोग एक एक कदम आगे चले गए। फिर सवाल पूछा गया आपको आर्ट एंड क्राफ्ट आता है क्या, सब लोग एक एक कदम आगे चले गए। फिर धीरे धीरे करके जो स्किल स्कूल में सिखाई जाती है वहां से चला सब्जेक्ट टू आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में क्या क्या पता है, क्या आप खुद अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं क्या। ये सवाल पूछने के बाद कई सारी महिलाएं एक एक कदम पीछे चली गई और कई सारे पुरुष एक एक कदम आगे चले गए। फिर पूछा गया कि आपके पास अपना इंश्योरेंस है क्या, एंड अगेन सेम चीज वही रिपीट हुई, महिलाएं पीछे चली गई, पुरुष एक एक कदम आगे चलते गए। और एंड में एडवर्टाइजमेंट में यह दिखाया गया था कि पुरुषों और महिलाओं में इतना बड़ा गैप था, वो एक ही कारण था और वो था फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अवेयरनेस जितना ज्यादा हो उतना ही कम है, लेकिन हमने सब ने ये स्ट्राइव करना चाहिए कि हम इसके भांति एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, भले ही हम शायद डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट ना लेते हों। क्योंकि कई सारे महिलाओं को ऐसे लगता है यार फाइनेंस इज नॉट माई कप ऑफ टी, द मोमेंट फाइनेंस ये वर्ड यूज होता है तो कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है दिमाग में कि अगर मैंने फाइनेंस मैनेज किया, मैंने मेरे पैसे मैनेज किए और पैसे डूब गए तो, ये सबसे बड़ा डर रहता है। एंड इसीलिए वो सौंपा जाता है अपने भाई को, अपने बहन को, अपने भाई को, अपने पापा को, शायद चाचा को, बट खुद करने जाएंगे तो काफी डर लगता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं आती है, बट आई एम श्योर कोरोना के टाइम पे कई सारे लोगों ने ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस सुने होंगे जो बहुत डिस्टर्बिंग थे। हमारे ही एक परिचित है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन हस्बैंड की बिकॉज ऑफ कोविड डेथ हो गई। जो लेडी थी वो भले ही एक कॉमर्स ग्रेजुएट लेडी थी, शी वॉज ऑलमोस्ट 60 years old, उनको जब हमने पूछा कि अब आप सर्वाइवर हो तो आपको आपके बैंक में जाके आपको नॉमिनी आप हो ये क्लेम करिए, आप जो कुछ भी बैंक अकाउंट्स है वो अब आप चलाइए, तो उनको रोना आ गया और बोले मुझे नहीं पता है कि हमारे कितने बैंक अकाउंट्स है, मुझे नहीं पता है कि हमारी FDs कितनी है और कहाँ कहाँ पे है, मुझे नहीं पता है कि हमारे यहाँ पे गोल्ड है तो कितना है और कौन से लॉकर में है, उसका ऑपरेशनल राइट्स किसके पास है। और ये मैं एक बात बता रही हूँ एक लेडी की जो कॉमर्स ग्रेजुएट लेडी थी, और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, आई एम श्योर आप सब अग्री करेंगे कि कई सारी महिलाओं की यही कहानी है। आज ये एक टाइम आ गया है कि भले ही मैं वही चीज दोहरा रही हूं कि भले ही हम डिसीजन मेकर ना बने, लेकिन डिसीजन क्या हुआ है इसके बारे में तो हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और क्या इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आंसर बिल्कुल ना है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हमारी कॉफी डेट्स ओवर इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम महीने में एक बार हमेशा कॉफी पीने जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारे फाइनेंसिस क्या है, कहाँ कहाँ पे पैसा रखा है, नॉमिनी कौन है, अगर दोनों में से दोनों को भी अचानक से कुछ होता है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस करके रखी है। आई थिंक ये एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो थैंक्स अलॉट फॉर पेशेंट लिस्टिंग। और अब मैं निवेदन करूंगी
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन श्री प्रदीप राय जी से कि आप भी इस सत्र के दौरान अपने विचारों को हम सब के साथ साझा कीजिए. The moment they said that I have to speak, I was thinking that this is not my turn. They said that you have to speak something on legal tech. What is the development? So fortunately, I am aware of this. Manoj Tiwari ji, member of parliament and our childhood friend. She is not a financial advisor, she is CA. She emphasized very clearly. So even if a chartered accountant has the specific knowledge, they can disseminate and they can give it to the public in general. Honorable Principal Woodstock School, Mr. Craig Chaudhary Saab, Rashtri ji, Vinay ji, and all the dignitaries. Because sometimes what happens that earlier the guest list and the audience is keep changing. So now Nilkant ji is there, Paras is there, other friends who runs this Rostanara Club, they are here. Surbhi ji, obviously the better half of Manoj Tiwari ji. When she was mentioning about that ladies went back because they did not have the financial knowledge. In Manoj Tiwari's case, Manoj Tiwari is 100 yards back than Surbhi ji. She handles his bank account, she handles everything. This is what I said when he was mentioning that, yes, yes, he is right. I said, no, but she is right in a context of others, not in your context. As far as law and tech is concerned, when we were studying law, we had never imagined that there will be a time when lawyers need to use computers. Because computers were absolutely new. And when Rajiv Gandhi became Prime Minister, there was a movement that why he is bringing all these computers. This will take away the jobs. And many of us had gone to see a computer at Hobby Center because our university had purchased one. And we were the lucky ones to switch it on and switch it off, and that was part of our achievements that we know how to switch on a computer and how to switch it off. Gradually, when we came to practice here in Delhi, we started the old typing machines had been replaced by these modern computers. And thereafter, we saw SCC online, AIR online, then Manupatra, some of the search engines which provide you, gives you access to research of various cases, judgments, and sometimes it helped in drafts also. Which was completely alien to us when we were studying, and when we came to the practice, we had to consult so many judgments to find out that relevant judgment on a specific point. Today, because of AI, we have access immediately that what kind of judgment is required, when it is required. So the young students and young lawyers, they are more friendly. Recently, we have started using liquid text. Liquid text is so good that whenever even the voluminous files, which we used to carry into 10 or 20 volumes, now we carry only our iPad. And just by touching at one place, we exactly go to the reference what we are going to mention. And it has made our job easier. Recently, Honorable Justice D.Y. Chanchud, the Chief Justice of India, he had said very clearly that my court will not allow anyone who is coming with the files. You have to consult your laptop, you have to consult your iPad. But not only this. Now this time has come when the judgments are even being written by AIs. Drafts are prepared by the AIs. Obviously, the human face is there, human intervention is required, because in a country like India, where we have different and where this diversity in the society, we can't imagine that there will be one AI which will suffice the purpose of entire drafting and understanding of entire society. Like in UP, if you are deciding a case of land dispute, you have to go for the civil dispute, or in Delhi, you have to go for civil dispute, evidences will be there, examination in chief will be there, and ultimately it will be decided on the facts and circumstances based on your registry paper and documents.
But suppose the same land dispute belong to Nagaland in one tribe, then what they do, this I handled one matter and I was privy to that, they will take you to the field and they will give you the some kind of जो मिट्टी निकाल के आपको दे देंगे एंड यू हैव टू गल्प इट यू हैव टू ईट इट बोथ साइड्स हु आर इन टू लिटिगेशन क्लेमिंग टू बी द ओनर ऑफ द लैंड दे हैव टू गल्प दैट पर्टिकुलर सैंड एंड देयर आफ्टर दे विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर 4-5 hours और वन डे एंड हूएवर बिकम सिक लैंड डजंट बिलोंग टू हिम दिस पार्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय एआई बिकॉज इन द सेम कंट्री So much diversity. Similarly, one party is paying income tax, other party is exempted because they fall under 6th schedule of the constitution. One part is the owner of the land, like in the Arunachal tribes, they are owners of the land. Like one person owns around 1,50,000 acres. The entire forest area, all entire forest is there. He has given his forest on lease to the government. But he said, no, but Nagaland law is better and in some sense Mizoram law is also good. I said, why? He said, in our area, if we are the owners of the forest, we own this forest, we own down, but we don't have rights, sky rights. But Nagaland has it. Some of the other tribes, they have it. Similarly, if you go to Meghalaya, you will find that tribes are different. Like in Khasi tribe, the eldest lady, Our eldest daughter of the family, she is the head of the family. An youngest daughter is the owner of the property. But the brother or son, when they get married and go from the house, then they are known by the name of their wife and they stay there, but they don't have any rights which they have inherited. Ultimately, if you earn, if you work somewhere, and if you are making some money, that belongs to you. So AIs cannot help in this. But ultimately, our job has become much easier by having access to those softwares, those programs, those AIs. Because even drafting is easier. Now we can just type the problem, you can get the solution. Even letters draft is easier, sending notices are easier. Sometimes you need your human intervention, but that is only 5%. The countries which adopted this method or this technology earlier, their disposal rates is a bit higher. Now we see that there is a lot of new members of our fraternity. They are joining the profession. They are so much expert. Like I learn from the younger members of the bar. I learn from the young students. Because in some areas they are much, much better than us. And which we cannot imagine that we will have the same speed in the near future, because the moment we learn one thing, another thing comes and again we have to consult the younger generation. So by working together and having sharing the experiences of each other and then using the technology, the situation is going to be much better. Similarly, the training part, drafting part, judgment delivery, gender sensitization, social stratification, and then depending on this, the social change and then the legal change. Because laws are made completely depending on the need of the society. And if any law is not accepted by the society, that law will lose their relevance. Like Dowry Act is prohibited, people go to jail. But still I hardly find families who are entering into marriage institution without dowry. Still the younger generation is there, they are choosing their own way. But mostly in the villages you will find that this dowry is still prevalent because society did not accept. Similarly, like in Widow Remarriage Act when it was drafted, now this Widow Remarriage Act cannot be decided by the AIs. When Rajaram Mohan Rai and Ishwarchand Vidyasagar in those days tried to go with these reforms, it was not an easy task. They were hated by the society. Today they are being honored, we are remembering them, but they were hated. So ultimately, the art of
learning AIs and creating AIs and then using it in the legal profession is going to help lawyers more. It's going to make our job easier. Some of the journalists asked me that whether this is going to take away the job of lawyers. I said no, there is no question. It is going to make the job easier. It is going to give us more competence. And at the same time, these technologies are going to save our hours, and even public in general can also be educated by this. So I again congratulate you all that you all are taking a lot of pain to in organizing this program, and even this on legal technology, the softwares and programs and AIs in law, that part also covered. But in this kind of gathering where people want to listen so many other things, like you all have experiences which even we may not be aware. Even I am here to learn from you all. And CA madam, you are sitting with Manoj ji, you teach him that he should also, when it is counted, he should also stand equally with Madam Tiwari. He should not go back. And thank you so much for giving me this opportunity to address this legal fraternity board. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रदीप राय सर. और अब मैं मंच पर उनको बुलाना चाहूँगी जिनकी पहचान दूर दूर तक है, नाम ही काफ़ी है, मनोज तिवारी. मनोज तिवारी, आप दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं. बतौर सांसद दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे मनोज तिवारी की गिनती उन चुनिंदा युवा नेताओं में होती है जो हरफन मौला हैं, सिद्धहस्त राजनेता, मजे हुए कलाकार, माँ सरस्वती जिनके कंठ में विराजती हैं, वो हैं मनोज तिवारी, जो वक्त आने पर राजनीतिक विरोधियों पर पड़ते हैं भारी. एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, टीवी प्रेजेंटर और राजनेता, एक साथ इतने हुनर का मणिकांचन योग संजोए मनोज तिवारी वर्ष 2016 से 2020 तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. सिंगर से अभिनेता और अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी का सफर आसान नहीं रहा है, लेकिन मुश्किलों पर जो पड़े भारी वही हैं मनोज तिवारी. मुश्किलों पर जो पड़े भारी वो हैं मनोज तिवारी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. बहुत बहुत धन्यवाद APN फोरम स्वदेश कंक्लेव 2023. वैसे जिसने स्क्रिप्ट लिखा वो भी बहुत अच्छा है जिसने. मंच पे बैठे हुए मेरे विश्वविद्यालय के साथी प्रदीप राय जी, वो देश के एक विद्वान वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं, और अजय जी और रचना जी. रचना जी ने मुझे 10 मिनट में बहुत कुछ सिखाया, और वो जो जो मुझे बोल रही थी ना, वो मैं अपनी पत्नी को बोलते रहता हूँ. अब सामने बैठी है तो उनका भी अच्छा ट्रेनिंग हुआ होगा 10 मिनट में. और इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में एक ऐसी बेटी जिसने अपनी जीवन की सफलता की यात्रा खुद तय की है, राजश्री जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. वैसे तो मैं विज्ञान भवन में कई बार आया हूं, लेकिन कोई ऐसा कार्यक्रम जो बिना प्रधानमंत्री जी के मैं आया और इतना भरा हुआ पहली बार देख रहा हूं. सामने भी कई ऐसे साथी हैं. अब आप सोचो, जिस फिल्म ने हमें ऑस्कर दिला दिया उसके प्रोड्यूसर बैठे हों, तो उनका स्वागत करने में कितना गर्व होगा. सर,
आपको सैल्यूट भी है, आपका स्वागत भी है। और यहाँ पे हमारे देश की एक बहुत ही जानी मानी सिंगर मधु जी भी बैठी हैं, जिनके साथ मैं भी प्लेबैक कर चुका हूँ। बहुत सुरीली आवाज की मालकिन है वो। और यहाँ के जो बाकी गेस्ट सब आप लोग बैठे हैं, उनके बारे में मुझे बताया गया है, सब अपनी अपनी दुनिया के बड़े विशेषज्ञ लोग हैं स्वदेश कॉन्क्लेव में। अब मैं कुछ दो तीन बातें बोलना चाहता हूँ जो मैं सुना हूँ अभी, जिसकी चर्चा आई, क्योंकि वैसे भी मेरी जिंदगी छोटे से समय में इतनी बड़ी हो गई है, समझ में नहीं आता किधर से शुरू करें किधर खत्म करें क्या। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं एक जीवन में चार चौथा जीवन जी रहा हूं। अब मुझे एक जीवन याद आता है जो मेरा 23 साल तक का था, जब मैं 23 साल तक का हुआ, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी, क्षमता ही नहीं थी, या फिर यूं कह लीजिए कि 125 बीघे के किसान के बेटे के घर में साइकिल नहीं थी तो उस किसान की क्या स्थिति हुई होगी। तो वास्तव में मैं अपने जीवन को 23 साल तक वो अभाव की जिंदगी थी, बड़ी मजेदार थी, बड़ा आनंद था उस समय, नहीं अब लगता है कि वो बड़ा आनंद था। इसलिए मैं दुनिया भर के लोगों को बोलता हूं, जो काम आपका सबसे, जो जीवन सबसे कठिन होगा ना, संभाल के रखना, एक दिन सफल हो जाओगे तो वही सबसे अच्छा लगेगा। फिर 23 साल के बाद अचानक मैं सिंगर बन गया, तो मेरा पूरा अगला 9 साल बीता सुपरस्टार सिंगर। अब मैं 4 गाने गाया और एक गाना लिखने में तो प्रदीप राय जी भी साथ में थे। भाई अब कई बात बोलूंगा तो लोग कहेंगे ये कोई और पोल न खोल दे, लेकिन वो जो हमारे आनंद के दिन थे ना, जो अभाव के दिन थे, उसमें ये भी थे। तो फिर जब हम गायक बने, हम गाना लिखते भी हैं। अब मैंने एक बार भ्रूण हत्या पे गाना लिखा, 96 का समय था, नया नया वो आया था, चेक होता है क्या बोलते, अल्ट्रासाउंड। और मैं अक्सर तीसरे चौथे पांचवें घर में देख रहा था, जैसे पता चला अल्ट्रासाउंड में कि बेटी है, ऐसा लक्षण मिल, पता नहीं उनको कैसे पता चलता था कि अल्ट्रासाउंड में बिटिया है, तो सफाई करा देते थे। तो मैंने गाना बनाया, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का गाना भी गाया जा सकता है। मैंने लिखा, मैं भोजपुरी में गाता था ना, अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई बेटी जन्मावल परहेज हो गई। और तब मैंने कहा था कि ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुगियाई कि शादी बदे बचवा कंपटीशन दे बे जाई हो। अभी तुम लोग नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हो ना, शादी के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। और एक दिन आता है कि मैं संसद में हूं, भ्रूण हत्या के खिलाफ एक कड़ा कानून आ रहा है और मैं उस पर वोटिंग करके पास करा रहा हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। तो और बहुत सारा प्रयोग किया, लाल बत्ती हटाने का भी गाना गाया था। मैंने एक बार गाना गा दिया था, नियम का बघाड़ ताड़ रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मैं गाने में व्यंग करता हूं, अरे भाई हट जा, ज्यादा नियम वियम मत समझा इनको, मंत्री जी आ रहे, खड़े रहो रास्ते से जितना चाहे, 40 मिनट पहले भी ट्रैफिक बंद कर दिया गया तो खड़े रहो। तो मैंने कहा दिया। अब आप सोचो
एक दिन हम सांसद हैं और हम देख रहे हैं मंत्री जी लोग खुद ही अपना अपना बत्ती निकाल करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था ये लाल बत्ती नहीं चलेगी, किसी की नहीं रहेगी, नो वीआईपी कल्चर। अब धीरे धीरे मेरा सिंगिंग का टाइम गया, 9 साल। 9 साल बाद ऐसा ना कि एक आदमी मेरे पास आया, मैं बनारस रहता था, दिल्ली में आके गाना गाता था, बनारस पहुंचे, बोले फिल्म करोगे? तो मैं उस दिन कई बार शीशा देखा, मैं सोचा मैं तो गाना गाता हूं यार, गायक एक्टर भी हो सकता है क्या? फिर फिल्म की कहानी सुनाई गई, मैंने कहा नाम क्या है फिल्म का? बोले ससुरा बड़ा पैसा वाला। मैं कहा यार ये कोई फिल्म का नाम होता है क्या? फिर मैंने फिल्म कर लिया। फिल्म किया तो आप सोचो 2004 में फिल्म रिलीज हुई और 2004 में घर घर टीवी था, लोगों के हाथ में मोबाइल था, सब कुछ था। और जब लगी तो जानते हैं 50 हफ्ते उतरी ही नहीं 13 सिनेमाघरों में, क्योंकि मुझे उसमें एक चीज दिख गया था कि ये हिट हो सकता है। हम तो अभी आजकल कई यूट्यूबर लोगों से मिल रहे, यूट्यूबर। मैं इतना गाना गा गया, मेरे 5048 गाना हो चुके हैं, उसी में से मेरा वो कई गाने हिट हैं, ही हंस दे ले रिंकिया। अब आप देखो, वैसे ये गाना कुछ लोग मुझे पॉलिटिकली मीम्स भी बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा आता है क्योंकि जितना मीम बनता है उतने व्यू बढ़ जाता है, तो अगले महीने का जो चेक आता है यूट्यूब से वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। अब मैं जब तीसरे जीवन में आया तो सुपरस्टार एक्टर था। आप सोचो मेरे साथ अमिताभ बच्चन जी काम किए, मैं कभी सपना देखता था। फिर हमने जब हमारा वो जीवन, मैं 98 फिल्म कर लिया था, चाहता तो 2 और करता, लेकिन तभी मुझे लगा इस देश में बहुत करप्शन है यार। एक आदमी उठ रहा है, उसका देश के प्रति अच्छा भाव जग रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, चलते इनके साथ थोड़ा सा यात्रा करते हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब मैं इस समय एक सांसद के रूप में सेवा दे रहा हूं। एक गायक जो गाना गाता था, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, हर जिया हो भारत के बाला, बाला मीन्स बेटियां, जिया 10000 साल, जिया हो भारत के नौनिहाल। तो कहने का मतलब, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी को 20 साल से सीखते हैं तभी आपको आएगा। आप कायदे से किसी चीज को साल भर अच्छे से लगन से सीख लीजिए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको विशेषज्ञ बनने से रोक दे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को, चूंकि अब ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, आप जानते हैं ना, दुनिया भारत आ रही है क्योंकि यहां G20 हो रहा है, तो मैं आप सबसे इतना ही बोलूंगा, आप भी अपने अपने स्तर पे किसी भी तरह से कोशिश करिए कि G20 में आए हुए लोगों को हम कैसे भारत का अच्छा परिचय दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सांसद जी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब सम्मान मिले, और जो हम सम्मान देने जा रहे हैं इस सेशन में, उसमें पहला नाम है श्री अनुज रामात्री। इस कड़ी में अगला नाम सागर सेतिया और अजय सेतिया जी का। मिथा
शाश्वत वर्मा, तेजस पाटिल, अमित शर्मा क्रेजी एक्स वाई जेड, बहुत बहुत शुक्रिया।